सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस आज हम देखेंगे मई मंथ में फायर राशि, जो फायर एलिमेंट्स हैं उनकी राशियाँ कैसी होंगी, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फायर राशि जो हमारी है लियो, सेजिटेरियस और एरीज। तो आज हम देखने वाले हैं फायर एलिमेंट्स की तीनों राशियां एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए मई का महीना कैसा जाने वाला है। हम देखेंगे बिजनेस, जॉब, लव, फैमिली लाइफ, एवरीथिंग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथाय नमः। चलिए देखते हैं फायर एलिमेंट्स वालों के लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है। हमारा फर्स्ट कार्ड है हैंडमैन, टू ऑफ कप्स, द लवर, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट। आई थिंक दिख रहा हो आप लोगों को। चलिए सबसे पहले निकला है हैंडमैन। जो भी आप काम करने जा रहे हैं सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। अपने लिए सोचने के लिए टाइम लीजिए। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है। प्रेजेंट में जो चीज़ आपको दिख रही है जिस टाइप की, उस काम वर्क के बारे में मैं ये बता रही हूँ। अगर पिक्चर दिख रही है तो हो सकता है फ्यूचर उसका कैसा होगा, ये भी आपको सोचना है। सिर्फ प्रेजेंट में अच्छा दिख रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो वो काम हमको नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर का भी आपको ही देखना है। तो जो भी काम करने जा रहे हैं सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस या काम शुरू करने जा रहे हैं तो वो आपकी सफल होगी, लेकिन पार्टनर कैसा है उसके बारे में नॉलेज बटोर लीजिए, अच्छे से सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िएगा। क्योंकि पार्टनरशिप यहाँ पे अच्छी दिखा रहे हैं, लेकिन गाइस ये जनरल रीडिंग है, सबसे सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगी। हो सकता है कुछ लोगों का जो पार्टनर हो, पार्टनरशिप करने किसी बिजनेस को लेके जा रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और कुछ लोगों के लिए वो चीज़ ना हो। तो इसीलिए सोच समझ के खुले दिमाग से ये बातें सुनिएगा और वो काम करिएगा। जिसको भी आप अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं वो क्या इस लायक है, अभी जो आपको पिक्चर दिख रही है बाद में भी वैसी रहेगी, तो बहुत सोच समझ के ये फैसला करिएगा। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो स्ट्रांग होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग काफी प्रोफेशनल, कुछ लोग दिख रहे हैं इसके अंदर काफी प्रोफेशनल हैं, जिनको आगे जाके कभी कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं इमोशनल, जो दूसरों की बातों में आके काम करते हैं तो उनको परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको बोला सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। अगर आपकी लव लाइफ देखें मई मंथ में तो बहुत अच्छी जाने वाली है। जो अभी तक जो आपके पार्टनर के संग आपकी तूतू में होती थी या वो आपको नहीं समझते थे, आपको ऐसा लगता था, तो देखिए गाइस नॉर्मली जेंट्स बोल के, कोई भी हर जेंट्स बोल के अपने प्यार का इजहार नहीं करता है, वो लोग नहीं बोलते हैं। आपको उस चीज को, आपके जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपको जो चाहिए आपको मिल रहा है, इसका मतलब वो आपको लव करता है, तभी ये सब आपके लिए कर रहा है, राइट। आपकी तबीयत खराब होती है तो वो आपका ध्यान रखते हैं, यानी वो आपको चाहते हैं तभी कर रहे हैं, भले वो मुंह से ना बोले। तो आप इस चीज की उम्मीद मत रखिए कि वो आपको हर चीज बोल बोल के बताए। सब कोई हर जेंट्स बोल के नहीं बता सकता, हर पर्सन नहीं बोलता है। इस चीज का ध्यान रखिए और थोड़े अपने नेचर में, अपने अंदर मैच्योरिटी लेके आइए। अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ डाउट है या प्रॉब्लम लग रही है तो आप अपने घर में जो आपके सीनियर सिटीजन है उनसे बात करिए, उनसे राय लीजिए,
यदि आपको आपके पार्टनर के बारे में या कुछ डाउट हो रहा है या परेशानी हो रही है, सबसे बड़ी चीज न्यू बिगनिंग कुछ लोगों के लाइफ में होने वाली, उनका लाइफ पार्टनर आने वाला है, जो सिंगल है उनके लिए कहा जा रहा है। यदि ब्रेकअप जिनका हो गया है वापस वो लोग एक साथ आना चाहते हैं तो कोशिश करिए, ये पॉसिबल हो सकता है। आप लोग जो पर्सन है वो ईश्वर से बहुत जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादातर ईश्वर से अटैच है वो बहुत, तो आप लोग की परेशानियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी क्योंकि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत कम आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा या परेशानी आएगी। और अब ये देखते हैं कि अगर आपने किसी कंपटीशन का एग्जाम दिया है या किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप किसी भी चीज को लेके किसी प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जीत होने वाली है। मई मंथ में ये चीज आपको मिल जाएगी। तो मैंने बहुत कम शब्दों में मैंने आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और जॉब स्टडी के बारे में बता दिया होगा, जनरल रीडिंग है उसी हिसाब से इसको देखिएगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन गाइस जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। Thank you.